उज्जैन के बटनगर में राजपूत समाज ने मनाया दीपावली मिलन समारोह और लिया अपनी बहू बेटियों के प्रति शपथ। उज्जैन के बटनगर में राजपूत समाज ने दीपावली मिलन समारोह मनाया, जिसमें मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों और राज्यों के राजपूत समाज के वरिष्ठ जन पहुंचे। उन्होंने संकल्प लिया कि बहुओं और बेटियों को शिक्षित कर बेहतर मार्ग पर लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि राजपूत समाज न तो दहेज लेगा न दहेज देगा, वह उन्हें इतना शिक्षित करेंगे कि वह अपना और देश का नाम रोशन कर पाए। आज हमारे पास वो साधन नहीं रहे, पूरे सुलास तक साधन बढ़ाने में दहेज में कई परेशानी आ रही है, इसलिए ये राजस्थान विरोधी संघ के द्वारा हमको कार्यक्रम दिया गया। हम गांव गांव प्रत्येक व्यक्ति के घर पहुंचाने के लिए ये विरोध संगठन का समाचार घर घर तक पहुंचे, इसके कारण आज जो ये आप देख रहे हो उसका एक कई महिला भी आई है, वो भी कई वरिष्ठ बॉम्बे से भी टेलीफोन आया था, मैं वाराणसी से आए थे, कई लोगों को तो केवल इसके माध्यम से मोबाइल के माध्यम से मालूम पड़ा एंड टाइम। अंकल पहली बात तो मैं कालिका माता की जो नगरी है पवित्र की नगरी है इस भंडागर की इस पवित्र मिट्टी को नमन करता हूँ, यहाँ के आयोजक टीम को नमन करता हूँ, पधारे हुए आगंतुक अतिथियों को प्रणाम करता हूँ एवं आप लोग जो आजकल लोकतंत्र के चौथे आधार स्तंभ में इसको कवरेज दे रहे हैं आपको साधुवाद हृदय से आभार कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। ये जो आज का कार्यक्रम है ये सगाई सम्मान एवं मिलन समारोह कार्यक्रम है और हमारा तो क्या है कि हम तो उस विचारधारा का नाम है कि 1893 में स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो के भाषण में धर्म संसद में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए बात रखी थी कि अयम निजा परो व्यक्ति गणना लघु चेत सनाम, ये तेरा है मेरा है छोटी हृदय वाले से बात करते हैं, उदार जनता वसुदेव कुटुंबम, सारी दुनिया हमारा घर है, सारा विश्व हमारा घर है, भारतीय संस्कृति कहती है, सनातन संस्कृति कहती है एवं राजपूत समाज तो भगवान रामचंद्र महाराणा प्रताप के जो 36 कौम को साथ में लेकर चलते हैं और बाकी सारे लोग प्रेरणा लेते हैं, तो इस प्रकार से जो हमारा सामाजिक बुराइयों पूरी थी उसके विरुद्ध ये संगठन कार्य कर रहा है। आज का जो है ये बायोडाटा का जो विषय है, सगाई का विषय है, आजकल मीडिएटर नहीं बचे हमारे, इसमें भी पैसा वगैरह एजुकेशन अच्छे हो रहे हैं, बच्चों के अच्छे हो रहे हैं, तो हमने प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाया है, इसमें हमारा पूरा इंजीनियर चल रही थी अभी तक कि दहेज लिया जाता था लड़की वालों से, उस कुप्रथा को दूर करने के लिए हमारे तहसील के अध्यक्ष माननीय नारायण सिंह जी राजा की पहल पर कार्यक्रम रखा गया, राठौड़ नारायण सिंह जी राठौड़ की पहल पर कार्यक्रम रखा गया है और इसमें सभी जो भी लोग यहाँ आए हैं वो संकल्प लेंगे कि न तो दहेज देना है, दहेज लेना है और दहेज मुक्त समाज का निर्माण करना है। कहाँ कहाँ से राजपूत सारे पदाधिकारी पहुंचे, क्या मानते हैं? पदाधिकारी राजस्थान से हैं, गुजरात से, मध्यप्रदेश से, महाराष्ट्र से, उत्तर प्रदेश से, सभी राज्यों से यहाँ पे पधारे हैं और अच्छी मुहिम है और इस मुहिम से काफी सुधार आएगा समाज में। दहेज एक सामाजिक बुराई के रूप में स्थापित होने का काम हुआ और राजपूत समाज ने दहेज मुक्त विवाह करने का संकल्प लिया और ये दहेज विरोधी क्षत्रिय संगठन जो है ये राजपूत समाज ने पूरे देश भर में बहुत अच्छा काम करने का काम कर रहा है, समाज के नवयुवकों को और शादी विवाह के योग्य नवयुवकों के और नवयुवतियों के परिजनों को इस बात के लिए मोटिवेशन करना, इस बात के लिए प्रेरित करना कि दहेज का विरोध करें, दहेज कुरीति के रूप में है, अपने पुत्र पुत्रियों का विवाह बिना दहेज के करें, ये संकल्प लेके जो काम हो रहा है इसके परिणाम अब आने लगे हैं। ये जो प्रयास हुआ इस प्रयास के जो परिणाम है वो हम लोग देख पा रहे हैं और उसके साथ साथ में एक ये जो परिचय सम्मेलन जिसमें कुंडली मिलान का कार्यक्रम संगठन ने किया है, मैं साधुवाद देना चाहता हूँ, मैं इस बात के लिए आयोजन समिति को बहुत बहुत उनका अभिनंदन करना चाहता हूँ, उन्होंने समाज को एक ऐसा प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने का काम किया।